फायदा एक ही है कि जो प्रधानमंत्री है, जितना भी घपला, जितना भी स्कैम हो रहा है, तरह तरीके से स्कैम हो रहा है, आप जानते हैं पेपर में। जिस फील्ड में हम हैं, कम से कम उस फील्ड को हम सही कर पाए। एसएससी में अगर हम हैं तो एसएससी का एग्जाम टाइम से हो पाए, एसएससी की ज्वाइनिंग टाइम से हो पाए। इतना पोस्टपोन्ड एग्जाम हो रहा है, इतना पोस्टपोन्ड एग्जाम हो रहा है, आपने क्या समझा हुआ है? एग्जाम देना मजाक है? बच्चे का एक मूड होता है, वो उसके लिए अपना एक मूड प्रिपेयर करता है, तब कहीं जाके वो एक एग्जाम में बैठता है और अच्छा परफॉर्म कर पाता है। शिकायत यह है कि मोदी जी आजकल इतने, मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, पिछले 3-4 साल से मैं लगातार मोदी जी के इंटरव्यू फॉलो कर रहा हूं और देखता हूं कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ने किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में रोजगार की बात नहीं की। रोजगार से वो बचते जा रहे हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं के हाथ में, आगे आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। कौन से युवाओं के हाथ में होगा जो आज रोटी के लिए परेशान है? 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग CGL, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, यह भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें यह करना है, बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे। अगर नौकरियां नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमने क्यों ये 25 तारीख रखी है, क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे, मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है कि सरकार अब शिक्षाविदों से भी बात करे। सरकार एक ऐसी कमेटी टाइम लिमिट में बना दे 10 दिन के अंदर, जो ये ऐसे लोगों से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना, ये दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है कि जान निकाल के रख दूं पेपर के अंदर। कल जब से 18 का रिजल्ट आया है, 2019 एग्जाम में 18 तारीख वाले बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। सर मैं सुसाइड की सोच रहा हूं, बचा सकते हो तो बचा लो, ये लोगों के मैसेज है। पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। कौन सा सिस्टम आप अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं बताइए? अगर आज SSC ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि उनके पास मैन पावर नहीं है। आज अगर टैक्स डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं समझ रहा हूं उनके पास मैन पावर नहीं है। आज प्राइमरी स्कूल का बच्चा ठीक तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो उनके पास टीचर्स नहीं है। बताओ, आज हमारे देश में इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस इंजीनियर्स का? आज हमारा इसरो वहीं के वहीं है जो नासा को टक्कर दे सकता था। आप कम बुद्धि समझते हैं? मोदी जी तो खुद ही कहते हैं इस देश के युवा में बहुत दिमाग है। 4 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या जजेज की कमी नहीं है न्यायपालिका में? कहां कमी नहीं है, कमी बस नेतागिरी में ही है। MPs की संख्या बढ़ा लो, उनकी सैलरी बढ़ा लो, MLA की संख्या बढ़ा लो। एक छोटी सी गलती, अभी
जो लोग नए जुड़ेंगे, जिनको पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं, 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190-195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो 1.25 घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसानियत है? अब आपको 2019 का 18 वाला मेंस दोबारा कराना होगा। लड़ाई उस मेंस को दोबारा कराने की है। जब आप 20 लाख बच्चों का प्री 20 दिन में करा सकते हो, तो आप 1.5 लाख बच्चों का मेंस एक दिन में क्यों नहीं करा सकते? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन करना है। और करप्शन को दबाना कैसे है, ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा पेपर देके आता है तो उछलता है हवा में, 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो, उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 2 साल से लगातार कट ऑफ 80% जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जाना कितना सही है? क्या पेपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते जिससे आप उन बच्चों को भी सेलेक्ट कर पाए जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है? अगर एसएससी अपने एग्जाम में एबीसीडी देने लगे, तो कैसे यह निर्धारित होगा कि कौन बच्चा जॉब के लायक है और कौन नहीं?